लाख लाख शुक्र कि आप बच गए। पता नहीं वो लोग कौन थे। अब उन लोगों के पीछे जाकर अपनी जिंदगी जोखिम में मत डालिए। घर चलिए, उनके लिए घर चलिए, घर चलिए। लेकिन मैं उन ससुरों को। चलिए चलिए घर चलिए, चलिए बैठिए। वाह माँ, क्या खाना बनाया आपने, दिल खुश कर दिया। बेटा, तेज और बहू अभी तक नहीं आए, उनको गए हुए बहुत ही देर हो गया है ना। अरे माँ, भैया हमारे दोस्त को बाहर घुमाने ले गए हैं, अब तक तो पंख निकल आए होंगे उनके, इतनी जल्दी नहीं आने वाले वो। अपने मन से कभी तेज बहू को घुमाने लेकर नहीं गया है, जरूर तूने ही कुछ सिखाया पढ़ाया होगा। भैया, भैया ये सब कैसे हुआ? अरे तेज, तेज, ये सब सब कैसे हुआ? ये बाबू जी, विक्टर साहब कहीं घूमने गए थे, रास्ते में एक जगह रुके तो किसी ने हम पर गोली चला दी। वो तुम्हारा किस्मत अच्छा था कि गोली चलाने वाले पे बिट्टू को नजर चला गया और हम बच गए। वहीं से डॉक्टर पास जाके पट्टी कराए और घर आए। किसका इतना हिम्मत हो गया, किसका इतना हिम्मत हो गया जो सूर्य प्रताप सिंह के बेटे पर गोली चलाए? हे तेज, जितना कर, ये कांड जिसका भी है ना, उस ससुरे को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रुद्र, हमने कुछ नहीं किया बाबूजी। मतलब अगर अभी हमने कुछ नहीं किया ना बाबूजी, तो लोग हम लोगों को कमजोर समझेंगे, कह देते हैं कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे कैसे नहीं करेंगे, जो कोई भी है ना ससुरा, कि खाल खींच के भूसा भर देंगे। हाँ बाबूजी, आज तक तो तेज देव बच्ची को किसी ने आंख उठाकर भी नहीं देखा और उनके ऊपर गोली चलाए। पर हमको तो बहुत डर लग रहा है, कहीं इसके बाद कोई दुर्घटना हो गया तो। ये क्या कह रही हो तुम? जो होना था सो हो गया, और जिसने ये काम किया है ना वो छोड़ने वाले नहीं है। अरे ससुरों की जान लेके गांव के बाहर फिकवा देंगे। बाबूजी, गोली बंदूक वाले के साथ तो आप लड़ लेंगे, पर नियति में जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा ना। इसके बारे में तो हम लोगों को पहले से सोचना चाहिए था। साड़ी माँ पंडित जी बोल दिए थे कि लड़की के कुंडली में दोष है। कुछ देर देव जी की जान को खतरा है, लेकिन ना ही वो वक्त तो पंडित जी का बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं। भाभी, ये क्या बकवास कर रही है आप? लो, अरे हम बकवास नहीं कर रहे हैं। अगर तुमको विश्वास नहीं होता है ना तो इन लोगों से पूछ लो। दोष निवारण के लिए हथेली पे अंगारा लेके फेरा लगाई थी ये लड़की। अरे दोष तो कटा ही नहीं, सब कुछ एक ही वजह से हो रहा है। अरे दोस्त, 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 रुकिए। Thank you.
शादी से कोई परहेज नहीं, अगर ये शादी हुआ तो हमारा बेटे का जिंदगी जिस लड़की की कुंडली में ऐसा दोष होता है वह लड़की दूल्हे पे आने वाली बला को खुद झेलती है। दूल्हे के साथ साथ फेरे लेने से पहले आग का जलता हुआ अंगारा हाथ में लेकर अग्नि के साथ फेरे लेगी। जैसे आप पे कौन मुसीबत आए, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि सब क्या हो रहा है। बिट्टू, तुम बेकार में परेशान हो रही हो, हमको कुछ नहीं होगा, हमारी चिंता मत करो। कैसे चिंता नहीं करें, भाभी जी जो कहती है सही कहती, हमारी वजह से आपकी जान खतरे में पड़ गई है। बिट्टू, कैसी बातें कर रही हो? अगर जन्म कुंडली से सब कुछ पता चल जाता ना तो लोग अपना कुंडली पढ़वा कर पूरा जिंदगी जी लेते, फिर तो किसी को कुछ होता ही नहीं। और फिर तुम्हारी वजह से हमारे साथ गलत काहे हो गए। एक बात कहें तुमसे, आज तुम्हारी वजह से हमारा जिंदगी खतरे में नहीं पड़ा, तुम्हारी वजह से आज हम बच गए। भाभी को जो कहना है कहने दो, क्या फर्क पड़ता है इन सब बातों से? कि आज अगर हमारी वजह से आपको कुछ हो जाता तो एच किसमें इतना हिम्मत है जो तुझ पर गोली चलाया? आप परेशान मत होइए दादी, अब सब ठीक है। कुछ ठीक नहीं है, हमें तो ये लगता है कि तुम्हारा ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, नहीं तो ठाकुर खानदान के बेटे पर कोई गोली चलाते। लेकिन बेटा तू घबराना मत, हाँ ई ले, राम 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 ये रख हमेशा अपने पास, ये बहुत ही सिद्ध माला है, हम मंदिर से लाए, ये हमेशा पहने रखना, ये तेरा रक्षा करेगा। जी देखो कितनी अच्छी पत्नी मिला है तुझे, हाँ तो चिंता मत कर, अब तेज को कुछ नहीं होगा, ये माला हमेशा तेरा रक्षा करेगा, तू डरना मत बेटा। दादी बुआ, आप मुझे भी कोई माला दे दीजिए ना। का है? तुझे का हो गया है? तो क्या है कि मेरी शादी नहीं हो पा रही है, तो मैं सोच रहा था अगर आप मुझे कोई माला दे देती है तो हो जाएगी। एक नहीं हजार बार हमने तुमसे कहा है कि ऐसा घटिया मजाक हमें पसंद नहीं है। अब इसमें घटिया मजाक की क्या बात थी? अब दोस्त तुम ही बताओ, शादी की इच्छा भी कोई घटिया मजाक है क्या? हाँ ये लो जी, हमारे दोस्त के चेहरे पर तो घटिया मजाक सुनकर भी हंसी नहीं आई। अब अरे दोस्त ये क्या, तुम अभी भी भाभी की बातों से डरी हुई हो? अरे उनकी तो आदत ही है सबको परेशान करना और डराना, उनकी बातों को ना एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। चलिए आप वो सब छोड़िए और जल्दी से मुस्कुरा दीजिए। अरे चलिए मुस्कुराइए।
कोई बात नहीं, हंसी महाराज को बुलाने का मंत्र हम अच्छी तरह जानते हैं। एक मिनट, माउथ ऑर्गन। जिस तरह सपेरे बीन बजाकर सांप को बाहर बुलाते हैं, उसी तरह हम भी ये माउथ ऑर्गन बजाकर आपकी छुपी हुई हंसी को बाहर निकालेंगे। अब देखिए आप। एक काम कर, ये हमका दे, हम बजा कर देखते। अरे हम भी तो बहुत बड़े कलाकार रह चुके हैं, आप तो हमारे बजाने से इनका छुपा हुआ हंसी निकल कर बाहर आ जाए। भैया एक मिनट, एक मिनट, इसको ना इस तरह नहीं, इस तरह पकड़ दो। अरे मालूम है हमका, हम तो वो सफाई कर रहे थे, अभी बजा लेते हैं। ये देखो, वाह उस्ताद, आपके म्यूजिक में भी जादू है। देखिए हमारे दोस्त के चेहरे पर भी हंसी आ गई। भैया आपको पता है इस दुनिया में ना सबसे मुश्किल काम होता है पत्नी को मनाना, और आज आपने वो भी कर दिया। पहला एग्जाम तो आप पास हो गए हो, अब आपको जोरू का गुलाम बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। तेज की जिंदगी पर ऐसे मुसीबत हम देख नहीं सकते। जितना जल्दी हो सके पता करो कि आखिर हमरे तेज पर गोली चलाया किसने। ऐसे बुआ जी, आप ये जो निर्णय लिए ना कि अपना सारा जायदाद वसीयत तेज के नाम पे कर रही हैं, कहीं इस वजह से तो कोई ऐसा नहीं कर रहा है? नहीं, आखिर इतना जमीन जायदाद मिलने के बाद तेज का रुतबा बहुत बढ़ जाएगा ना, और हो सकता है कि किसी को ये बात खटक रही हो। बाजी हम तो यही कह रहे हैं कि आप ये जो निर्णय लिए हैं ना कि सारा वसीयत और जमीन जायदाद तेज के नाम पे कर देंगे, एक बार फिर से सोच लीजिए। दोबारा सोचने का कोनो जरूरत नहीं। तेज सिर्फ हमरा लाडला ही नहीं, वो इस काबिल है कि हम उसे अपना सब कुछ दे सके। हमरे भरोसे पर हमेशा खरा उतरने वाला सोना है तुम्हारा तेज। लेकिन सब कुछ अकेले तेज के नाम। अब तुम हमें मत सिखाओ कि हमें क्या करना चाहिए। तुम दोनों से ज्यादा जिंदगी देखी है हमने। हमने जो भी फैसला लिया है बहुत सोच समझ कर लिया है। हम तेज के हाथों में हमारा सब कुछ इसीलिए देना चाहते हैं काहे कि हम जानते हैं कि सिर्फ वो संभाल सकेगा हमारा जमीन जायदाद। और ये सिर्फ तेज की वजह से ना ही है, ये उसके बहू बिट्टो के वजह से भी है। आदमी को सही और गलत रास्ते में ले जाने वाला औरत ही होते हैं, और हमें बिट्टो पर पूरा भरोसा है कि वो कभी तेज को भटकने ना ही देगी। और तुम्हारा वो बेटा जय, उस पर हमें जरा भी भरोसा नहीं है। अरे वो तो गांव में नहीं रहना चाहता है, वो क्या संभालेगा हमारा जमीन जायदाद। और बच्चा कौन? वो रुद्र, वो तो दिन भर अपने पत्नी का गुलामी करता रहता है। जो आदमी अपने पत्नी को संभाल नहीं सकता, वो नहीं संभाल पाएगा हमारा जमीन जायदाद। अरे तेज जिंदा रहेगा तब कुछ संभालेगा ना दादी बुआ। इतना रात को बाहर क्या देख रहे हैं आप?
चलिए दूध पी लीजिए। घबराओ नहीं, यहाँ हमारे घर पर आकर कोई हमको गोली नहीं मारने वाला। अरे हम तो ऐसे मजाक कर रहे थे। वैसे तुमसे एक बात कहें। हाँ। आज जो कुछ भी हुआ ना बहुत ही अच्छा हुआ। वो कहे कि आज तक हम जो कुछ भी किए थे वो दूसरों का दर्द का परवाह किए बिना किए थे। ये दर्द किस चिड़िया का नाम है ये हमको पता भी नहीं था, लेकिन पता है तुमको, आज हम पहली बार ये दर्द महसूस कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि हमको ये चोट लगा है, ये दर्द महसूस कर रहे हैं हम तुम्हारी वजह से। आज तक हम अपने आप को किसी बंधन में नहीं बांध पाए, लेकिन तुम्हारे साथ जिस बंधन में बंध रहे हैं हम वो बंधन को टूटने नहीं देना चाहते। वो कहे कि आज तक हम किसी बात को सोच के इतना नहीं डरे, इतना ही बात को सोच के डरे हैं कि अगर हमको तुमसे अलग होना पड़े, कभी तुमसे बिछड़ना पड़े तो शायद हम। देखिए तुम समझ सोचिए, हम आपको अपने से अलग कभी नहीं होने देंगे, हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं। देखिए पड़ा पड़ा दूध ठंडा हो गया है। आपको पता है हल्दी वाला दूध पीने से घाव जल्दी ठीक हो जाते हैं। चलिए जल्दी जल्दी पी लीजिए। हमारे हाथ में बहुत ही दर्द है, तुम अपने हाथ से पिला दो। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, लेकिन करे भी तो क्या करें, क्या करें रुद्र बाबू। एक तरफ तुम हाथ धोकर पीछे पड़ी रहती हो और दूसरी तरफ भाई का मोह। अरे वही मोह माया तो हमको रुका देता है हर बार, लेकिन अब नहीं।
जब से बुआ जी का बात सुना तब से खून खोल रहा हमारा। अब हमको पता चला कि इस घर में हमारा का औकात है। लेकिन अगर घर वाले जैसे हमारे साथ सौतेला जैसे सलूक कर रहे हैं ना, वैसा ही सलूक अब हम करेंगे उनके साथ। अब चाहे जो हो जाए लेकिन तेज को मारना ही पड़ेगा। अब जब सब बात समझ में आ ही गया है ना, तो ये सब सपना देखना बंद करिए। अपना लगवा लोग को बोलिए कि समय बर्बाद ना करे और ये बार एकदम तीर निशाने पर मारे। अगर अब की बार निशाना चूका ना, तो जिंदगी भर का देखा हुआ सपना सब टूट जाएगा का। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत हैं, कि सारी बलाएं भगवान हमको दे दे। रात में यहाँ का कर रहे हैं? नहीं बस यही सब देख रहा था, उसी में रात हो गई। कोई वक्त है क्या टीवी देखने का? टीवी? जी ये टीवी नहीं, इसे लैपटॉप कहते हैं। लैपटॉप मतलब चलता फिरता कंप्यूटर। कंप्यूटर तो जानती है ना आप। अच्छा चलिए वो सब छोड़िए, आप यहाँ आइए, हम आपको कुछ दिखाते हैं। ये देखिए कैसी है। ये फोटो तो अच्छी है, पर पीछे ताजमहल या लाल किला होता ना तो ज्यादा अच्छा लगता, जैसा मेले में होता है। एक मिनट, ये लड़की कौन है? अब ये मेरी लाइफ पार्टनर है। ये वो लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ, और इसीलिए हम बुआ जी से माला मांग रहे हैं ताकि हमारी शादी हो जाए। लेकिन ना ही वो समझी और ना ही आप समझ पाई। अच्छा, हम ना ही काम कर रहे थे, हम माँ और बाबूजी को ये बात बता के आ रहे हैं। अब अरे नहीं नहीं, आप उन्हें कुछ मत बताना, अगर सबको पता चल गया ना तो घर में हंगामा खड़ा हो जाएगा, और सही समय आने पर ना मैं खुद ही उन्हें बता दूंगा। लेकिन अभी नहीं, अब आप ये सब छोड़िए और कल की तैयारी कीजिए। कल की तैयारी? कल का है? अरे कल तेज भैया का जन्मदिन है, तो उनके लिए कुछ खास करना पड़ेगा ना। उनका जन्मदिन है? हमें तो पता भी नहीं था।
इसने आपको हर मुश्किल घड़ी से बचाया। जीवन के नए साल पर हर कदम पे खुशियां ही खुशियां हैं। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कोई किसने बताया कि आज हमारा जन्मदिन है? जय जी ने। तो ठीक है, आज हम चाहते हैं कि तुम और हम और तुम आज हम पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहते हैं। समय मिलेगा मैडम? दोस्त चलो जल्दी, तुम्हें माँ बुला रही है। अरे अभी बुला रही है, चलो जल्दी। हाँ हाँ चलिए। लीजिए माँ, आ गई हमारी दोस्त। अच्छा हुआ बहू तू आ गई। आज दिन भर तू हमारे साथ ही रहना, उका है ना, आज बहुत ही काम। आजा। जी। अरे भैया आप यहाँ किचन में क्या कर रहे हो? पहले तू हमको ये बता कि तू यहाँ क्या कर रहा है। मैं तो बस वो, अरे हम तो बिट्टो से बात करने आए हैं। ओ बात बात करने का कोनो जरूरत नहीं है। आज बहू को परेशान मत करना, उको दिन भर आज बहुत काम है, वो हमारे साथ ही रहेगी। हाँ और तू रसोई घर में क्या कर रहा है? तू जब भी रसोई में आता है ना, बहू का ध्यान काम से हट जाता है। हाँ चल जा यहाँ से। जा आप भी कुछ कम नहीं हो। मतलब? अरे दोस्त आपने देखा नहीं भैया कैसे बेताब हो रहे थे? आप लोग ऐसा काहे कर रहे हैं? बिचारे दीजिए ना, वो नाराज हो जाएंगे। अच्छा जी, तो अब आप भी बेताब हो रही है, देख रही हो माँ? दोस्त इस बेताबी के बाद ना सरप्राइज का और भी मजा आएगा, क्यों माँ? चलते हैं। अरे वो उमा जी। अरे उनकी चिंता तुम मत करो, उनको जय संभाले। चलो हंसी आ रहा तुमको हम पर? नहीं नहीं आप पर थोड़ी ना हंस रहे, हम तो हमको ही बताओ कि हमारे साथ घूमने चल रही हो कि नहीं। चलो भैया कोई परेशानी है आपको? अरे नहीं नहीं तुम्हारे होते उनको क्या परेशानी हो सकता है? मतलब अरे तू नाराज होके चले गए, मैं कुछ ज्यादा परेशान तो नहीं कर दिया ना इन्हें? अरे अगर परेशान नहीं होते तो बाहर कैसे जाते, और अगर बाहर नहीं जाते तो आज रात की तैयारी कैसे होती?
झूठो। जय कहाँ गए सब लोग? बिट्टो बिट्टो कहाँ गए सब लोग? और तुम्हें अकेले कहीं खड़ी हो? अरे हमारे साथ नहीं जाना था तो वो लोग के साथ चली जाती। अरे अच्छा खासा मौका था जन्मदिन का, लेकिन एक दिन के लिए हमारे साथ बाहर नहीं जा सकती। और हम पागल जैसा काका सोच के बैठे थे कि यहां जाएंगे वहां जाएंगे, लेकिन तुम हो कि सब बेकार कर दियो। जन्मदिन बहुत मुबारक हो भैया। देखिए अब आप गुस्सा मत होना, इस सबके लिए बहुत मेहनत लगी। ये सारा घर हम सब लोगों ने साथ मिलकर सजाया है, लेकिन आपको ये सरप्राइज देने के लिए घर से बाहर भेजना जरूरी था। क्यों दोस्त? अब बहू की तरफ मत देख, हम सब ये जानते हैं कि तू अपना जन्मदिन अपने पत्नी के साथ मनाना चाहता था, हमरे साथ नहीं। ऐसी कोनू बात नहीं है दादी बुआ, हम तो बस ठीक है ठीक है ठीक है, अब बहाना बनाने का कोनो जरूरत नहीं है। और नहीं तो क्या, चलिए अब चुपचाप केक काट दिया, चलिए आइए। जन्मदिन बहुत मुबारक हो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। ये क्या दादी बुआ, सिर्फ आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा, आपको कोई गिफ्ट देना होगा। हाँ मां, तेज को बहुत ही बड़ा तोहफा देने वाले हैं। लेकिन हमारा तोहफा अभी तक आया नहीं, उसी का इंतजार है। चलिए ठीक है, तो जब तक आपका गिफ्ट आता है तब तक हम सब लोग भैया के जन्मदिन की खुशी पर एक गेम खेलें। चलिए दोस्त आपकी बारी है, चलिए जल्दी से गाना शुरू कीजिए। जी जायदाद ट्रांसफर के पेपर ट्रांसफर हो चुके हैं और ये आपकी फाइल। अरे सब काय हुआ? अरे यही तो हमरे तरफ से तोहफा है, हम अपना सारा जायदाद तेज और बिट्टो बहू के नाम कर दिया। हमरे जायदाद पर और हमरे ही घर में सिर्फ मेरा चलता है, तुम होश में बात करो सुगंधा। अरे होश में तो हम हैं दादी बुआ, लेकिन अगर आप ये बिट्टो का सच्चाई जान जाएंगी ना तो आपका होश खत्म हो जाएगा। और आप जो ये गलत फैसला ले रही है ना वो भी आप बदल देंगे।
को ले। बिट्टू का सच्चाई सुनना चाहेंगे आप? अब जिस घर की बहू को अपना पुरखों का जमीन जायदाद देने जा रही है ना, वो दक्षिण टोला की लड़की है। छोट जात